उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल एक नाम आप लोग काफी चर्चा में सुन रहे होंगे, वो है ओम विकास राजभर। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि देखिए, बीजेपी के खिलाफ अपने आप को अगर कोई रख रहा है तो वो ओम विकास राजभर है। और कभी तो लगता है कि ओम विकास राजभर ही अकेले एक तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, कुछ समय पहले आपने देखा भी होगा, ओम विकास राजभर हो या संजय निषाद हो, इन दोनों के स्टिंग ऑपरेशन भी किए गए थे। स्टिंग ऑपरेशन देखिए कोई नया शब्द नहीं है, आज से पहले भी आप देखेंगे हमारे देश की राजनीति में इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन होते रहे हैं। यानी एक तरह से आप स्टिंग ऑपरेशन का सीधा सा मतलब होता है कि उसके मन की बात को बाहर जनता में लाना, गुपचुप तरीके से एक तरह से आप कैमरा सेट कर लेते हैं और आप उसके मन की बात यानी कि अंदर की बात आप लोग निकलवाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, इस ऑपरेशन में आप लोग ओम विकास राजभर ने कुछ ज्यादा ही नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि जिस भी पार्टी से हम गठबंधन करेंगे उससे कहेंगे कि पैसा दीजिए हमारे कैंडिडेट, यानी कि हमारे जो भी एक तरह से चुनाव लड़ाएंगे जिन लोगों को, उनके खर्च के लिए। लेकिन आपने संजय निषाद को तो देखा, उन्होंने किस तरह से अपना उगला जो उनके अंदर सच था। और एक और बात है कि ओम विकास राजभर के पास अपनी जाति के वोट हैं, यानी कि आप कह सकते हैं देखिए कि इसलिए आपने देखा है कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने इनको अपने साथ लिया था, क्योंकि इनकी जाति के वोट आप देखेंगे कई विधानसभा में क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। और याद रखिए, जातिवादी वोट ऐसे होते हैं कि कभी कभी ये निर्णायक भूमिका निभा देते हैं। मान लीजिए 2000-3000 वोट से कोई अगर कैंडिडेट हार रहा है तो उसे जिताने में काफी ये अच्छा प्रदर्शन भी मान लेते हैं इसको। और आप देखेंगे इससे पहले भी ये राजनीति करते रहे, और इनका संघर्ष भी ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट जातिवादी नेता उभर के आ गए, इनका संघर्ष भी काफी रहा है। मैं इनके बारे में पढ़ रहा था कहीं, तो इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये टेम्पू चालक थे, यानी कि टैक्सी ड्राइवर थे। तो आज हम लोग भी बात करेंगे इनके टैक्सी ड्राइवर से नेता बनने का क्या सफर रहा है। और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में यानी कि योगी आदित्यनाथ में ये मंत्री भी रहे हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आपने देखा है कि इन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इनकी जातियों पर भी हम लोग कुछ पॉइंट देख लेंगे, इससे आप लोगों को मालूम तो चल जाएगा कि आखिर जातिवादी उत्तर प्रदेश में जातिवाद कितना महत्व रखता है। और वैसे तो आप देखिए देश भर में आप देखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा चुनाव होता है जहां जाति की बात ना होती हो, धर्म की बात ना होती हो। तो इस पर भी हम लोग देखेंगे। अभी तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि इनके बीजेपी से बगावत चल रहा है, लेकिन चुनाव आते आते हो सकता है कि इनका भी गठबंधन हो जाए, क्योंकि ये कब क्या बोल देते हैं, कहां चले जाते हैं, इसमें कोई मालूम भी नहीं चलता है। तो इस स्क्रीन पर आप लोग इन्हें सामने देख भी रहे होंगे, ये हैं ओपी राजभर, जिन्हें आप लोग ओम विकास राजभर भी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश से संबंध भी रखते हैं। एक बार उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं इन पर हम लोग बात करेंगे। एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे 403 आपको विधानसभा सीटें देखने को मिल जाएंगी, विधान परिषद भी यहाँ, इसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा 31 सीटें हैं, लोकसभा 80 सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में काफी पकड़ एक तरह से इसकी है उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि सभी राज्यों में आप देखें तो सबसे ज्यादा लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सभी की सीटें यहां सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसकी राजधानी लखनऊ हो गई, इसी की बात कर रहा हूं। और ऐसे राज्य के दर्जा की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था एक तरह से। ओम विकास राजभर की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम ये लिखते हैं ओम विकास राजभर, और इन्हें आप लोग ओपी राजभर के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1962 को होता है। 1962 साल को आप लोग भारत चाइना के युद्ध के रूप में भी आप लोग जानते हैं,
जिसमें आपने देखा होगा कि भारत की हार हुई थी। इनका जन्म स्थान है वाराणसी, बनारस में ये पैदा होते हैं। इनकी पत्नी आपको मालूम होना चाहिए तारामणि है। इनके दो बेटे हैं, एक तो अरविंद राजभर, जो आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में राज्य मंत्री भी एक तरह से रहे हैं, और अरुण राजभर इनके दूसरे बेटे का नाम है। इनकी दो बेटियां भी हैं, ठीक है, और इनके दोनों बेटे अरविंद राजभर हों या अरुण राजभर हों, ये दोनों भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। शिक्षा की बात करें तो आप देखेंगे इन्होंने राजनीति में स्नातक किया हुआ है, और व्यवसाय की आप बात करें तो किसान कह लीजिए, नेता कह लीजिए, या फिर आप ड्राइवर कह लीजिए, इन्होंने सब कुछ किया हुआ है। और इनकी अगर हम लोग राजनीतिक दल की बात करें, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी इनकी पार्टी का नाम है, और आपको बता दूं ये पहले बीएसपी में भी रह चुके हैं, यानी कि मायावती के सहयोगी भी रह चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे मायावती से खटास होने के कारण ये अलग हो जाते हैं और नई पार्टी का गठन भी करते हैं। तो आप देखेंगे कि 1981 में कांसीराम के दौर से ओम विकास राजभर ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की, कब से, 1981 से। 1996 में वे बसपा यानी कि बीएसपी के टिकट पर वाराणसी के जिला अध्यक्ष बनते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे 2001 में भदोही का नाम बदलकर संत कबीर नगर रखने को लेकर मायावती से इनका विवाद होता है, और ओम विकास राजभर बीएसपी छोड़ देते हैं। और हमारे देश में आप देखते हैं कि नाम बदलने की प्रथा बड़ी चलित है एक तरह से। आपने देखा है केंद्र में क्या कांग्रेस आती है तो वो भी नाम बदलना शुरू कर देती है, फिर आपने देखा है कि बीजेपी आती है तो वो भी नाम बदलना शुरू कर देती है, यही हाल राज्यों का भी है। एक की सत्ता जाती है, दूसरा नाम बदलना शुरू कर देता है, फिर दूसरे की सत्ता आती है, वो अपना नाम बदलना दोबारा शुरू कर देता है। तो इस तरह का काम चलता रहता है, काम करें या ना करें, नाम बदलना इनकी परंपरा है। फिर आप देखेंगे ओम विकास राजभर भदोही को राजभरों के इतिहास से जुड़कर देखते हैं, और ये राजभर है ना। फिर आप देखेंगे कि बीएसपी से अलग को होकर 2004 में सोहेल देव पार्टी भारतीय समाज पार्टी बनाते हैं, जो अभी आप लोग वर्तमान में देखते हैं ना, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इसका गठन 2004 में करते हैं। और आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, और उस समय 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति यानी कि एससी में शामिल करने का जो प्रस्ताव दिया था, उसी में आप देखें कि एक राजभर जाति भी थी, और उसके ओम विकास राजभर भी जुड़े हुए। और आप देखेंगे इनका सबसे बड़ा मुद्दा भी, चुनावी मुद्दा भी यही है, अपनी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराना, आरक्षण की बात करना। उसके बाद आप देखेंगे इनकी अगर हम लोग जाति की बात करें तो पूर्वांचल की जातिगत जनगणना में राजभरों की गिनती करीब 18% है। आप समझ रहे हैं, 18%, यानी कि आप देख सकते हैं कई सीटों पर आप देखेंगे निर्णायक यानी कि जीत में भी भागीदार हो सकते हैं। पार्टी भले ही चुनाव ना जीती हो, पर जब भी प्रत्याशी लड़े, मजबूती से लड़े, और खेल बिगाड़ने का काम इन्होंने किया है। 2019 का आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उसके बाद पहले 2014 का देख लीजिए, या फिर भी जब आप देखते हैं 2012 में आपका विधानसभा चुनाव हुआ, या 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, तो ये सीटें जीते हों या ना जीते हों, लेकिन ये एक दूसरे को हराने का काम जरूर कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली का नाम भी सुनते होंगे, मुख्तार अंसारी, और आप सभी जानते हैं कि जेल में बैठे हुए चुनाव जीत जाता है। कुछ काम रहता होगा, कुछ डर रहता होगा, जो भी हो, मुझे इसके बारे में ज्यादा वहां के मालूम नहीं है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी से भाजपा यानी कि इनकी पार्टी गठबंधन करती है 2012 की विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, और मुख्तार मोहम्मद मुख्तार परिवार को फायदा हुआ, और 2012 के चुनाव में मोहम्मदाबाद बामऊ सदर सीट पर अंसारी बंधु जीते भी हैं। मुख्तार अंसारी चुनाव जीतता है 2012 में, और इनका भाई भी चुनाव जीत जाता है, लेकिन आप देखेंगे ओम विकास राजभर को कुछ हाथ नहीं लगता है 2012 के विधानसभा चुनाव में। फिर आप देखते हैं सन 2017 में विधानसभा चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, और इसमें राजभर ने भाजपा के साथ गठबंधन किया, और उनके पार्टी के
चार विधायक भी जीत कर पहुंची। तो आप कह सकते हैं कि 2017 में इन्हें राजनीतिक सफलता मिलती है और पहली बार आप देखेंगे ओपी राजभर यानी कि ओम विकास राजभर विधायक बनते हैं 2017 में। जहूराबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से ये विधायक बनते हैं और योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री भी बनते हैं। लेकिन 2019 में क्या होता है कि ये बीजेपी से अलग हो जाते हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे बीजेपी को ये नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से इन्हें हटा दिया जाता है, इनके बेटे भी राज्य मंत्री थे उन्हें भी हटा दिया गया था। अगर हम लोग आरक्षण और अलग पूर्वांचल राज्य की मांग के कारण ही राजभर की राजनीति में काफी अच्छी पकड़ बनी हुई है और इन जातियों में इनकी अच्छी खासी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहुंच बनाई हुई है इन्होंने। एक तो आरक्षण का मुद्दा है और दूसरा है पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग इनकी चल रही है। उन्होंने राजभर समाज के लिए आरक्षण की मांग को प्रमुखता से उठाया है और राजभर ओबीसी में आते हैं और ओम विकास राजभर का कहना है कि राजभर सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं और उन्हें एससी यानी कि अनुसूचित जाति में शामिल कर एससी कोटा का बढ़ाया जाना चाहिए यानी कि आरक्षण और बढ़ाया जाना चाहिए। वह कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण का लाभ 2-3 जातियों को भी मिला है। राजभर चौहान मौर्या कुशवाहा प्रजापति पाल नाई गोंड बान केवट मल्लार गुप्ता चौरसिया लोहार अंसारी जुलाहा धनिया को ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं मिला है और एक तरह से आप देखेंगे इन जातियों में भी छोटे छोटे नेता बने हुए हैं। संजय निषाद की बात करें तो वो मल्लार केवट जाति से आते हैं। संजय सिंह चौहान आप लोग सुनते होंगे, वो चौहान समाज से आते हैं। मौर्या की बात करें तो आप एक नाम काफी सुनते होंगे, कौन सा? केशव प्रसाद मौर्या। 2017 का आप देखेंगे तो चुनाव इनकी इन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया था और इन्हें ही मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया गया था, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे आप देखेंगे अपनी अपनी जातियों के नेता बने हुए हैं और ये जाति काफी मायने रखती है राजनीतिक जब भी चुनाव होते हैं इनमें, तो ये भी है इनका मामला। और इसी तरह उनका क्या कहना है कि एससी आरक्षण का लाभ चमार धूसिया जाटों को मिला है लेकिन अन्य दलित जातियों जैसे मोसार हो गई, बांसपुर हो गई, धोबी, सोनकर, दुसाद, कोल, पासी, खटीक, नटको, एससी का आरक्षण का लाभ नहीं मिला है यानी कि अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिला है। ओम विकास राजभर बाद में ओबीसी आरक्षण को 3 भागों में पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा में बांटकर ओबीसी जातियों का उनकी संख्या के अनुसार आरक्षण की मांग को उठाने लगे हैं। और आपको एक और बात बताऊं, बिहार में ये आपको देखने को भी मिल जाएगा, पिछड़ा वर्ग में भी आप लोग ये जातियां बटी हुई है, एक अति पिछड़ा में आती है, एक सर्वाधिक पिछड़ा में आती है, और उस हिसाब से बिहार में आप देखेंगे आरक्षण भी मिला हुआ है इन्हें, ठीक है। तो उसी तरह ये भी यहाँ उत्तर प्रदेश में भी बंटवारे की बात करते हैं और योगी सरकार ने वह इस मांग पर हमेशा जोर देते रहे। योगी सरकार ने राजभर की इस मांग को से सहमति जताते हुए सामाजिक न्याय कमेटी का गठन भी किया था जिसकी रिपोर्ट चुनाव के पहले आ गई और इस कमेटी ने भी ओबीसी आरक्षण को 3 भागों में बांटने की सिफारिश भी की हुई है, लेकिन योगी सरकार इस रिपोर्ट पर चुप है और ओम विकास राजभर इस मुद्दे को भी भाजपा से अलगाव का प्रमुख कारण भी मानते हैं। उनका कहना है कि हमने जो मांगे रखी हुई थी उनको इन्होंने नहीं माना, इसको लेकर मैं उनसे अलग हो चुका हूं। देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, ओम विकास राजभर ने काफी संघर्ष किया हुआ है, आप देखेंगे 30 से 35 साल का इनका काफी कठिन संघर्ष रहा है तब जाकर आप देखेंगे यहां तक उनका पहुंच बनी हुई है। आरक्षण के अलावा इनके अगर हम लोग राजभर की बात करें तो अलग पूर्वांचल राज्य की मांग भी करते हैं। स्नातकोत्तर तक की शिक्षा को मुफ्त करने और पंचायत चुनाव की तरह लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आरक्षण लागू करने और प्राथमिक विद्यालय स्तर से तकनीकी शिक्षा शुरू करने और सच्चे कमेटी और रंगनाथ मिश्रा मिश्र कमेटी की रिपोर्ट लागू करने, हर महीने सभी मतदाताओं को 5,000 रुपये मतदाता पेंशन देने की भी मांग की प्रमुखता से उठाते हैं, कौन? ओपी राजभर। और इसीलिए आप देखेंगे कि इनके वो लोगों का झुकाव कुछ ज़्यादा ही रहता है। अब आप ही सोचिए कि आपको अगर वोटर हैं, आप 18 साल के हो चुके हैं
और आपको अगर 5,000 रुपये महीने मिले तो कुछ गलत है? आप तो चाहेंगे ही कि आपको मिले, आपके यहाँ शिक्षा की हो, शिक्षा एक तरह से फ्री हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, तो इसलिए जनता से काफ़ी जुड़ाव भी रखते हैं। तो यही कहानी है ओम प्रकाश राजभर की। अभी तक तो आप कह सकते हैं कि 2017 में जैसे तैसे इन्हें काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है, लेकिन आगे क्या होता है? बीजेपी के से बगावत के कारण इन्हें नुकसान होता है, फायदा होता है, ये तो 2022 के लोकसभा 22 के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इनकी जाति वोट बैंक तो है, इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों को, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और जमीनी स्तर पर आप लोग जानते होंगे, तो आपको मालूम भी होगा कि इनकी जाति काफी मायने भी रखती है राजनीति में। चलिए एक और नाम बचता है उत्तर प्रदेश में, संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद। और ये संजय निषाद आप देखेंगे 2018 में सबसे ज्यादा चर्चा में आए हुए थे, जब आपने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं, उसके बाद एक लोकसभा सदस्य की सीट गोरखपुर की खाली होती है, उसके बाद आप देखेंगे सपा की ओर से संजय निषाद के बेटा प्रवीण निषाद चुनाव लड़ते हैं, और जो योगी आदित्यनाथ की परंपरागत एक तरह से सीट थी गोरखपुर, वो बीजेपी हार जाती है। और उसके बाद आप देखेंगे बीजेपी को लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद के पास वोट बैंक है, वोट हैं, इसलिए आप देखते हैं कि वो अपनी तरफ संजय निषाद को लाते हैं। और संजय निषाद आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जुड़ते हैं, और इसका बीजेपी को फायदा भी होता है। और इनके प्रवीण निषाद इनके बेटे लोकसभा सदस्य भी बनते हैं बीजेपी की चुनाव चिन्ह पर, तो उन पर भी हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये छोटे छोटे जातियों के अपने नेता हैं, इसलिए जाति भी आप समझ रहे हैं कि उनका अपना वोट बैंक है, तो इसलिए ज्यादा कुछ मायने रख लेता है। चलिए तो मिलेंगे उनके साथ हम लोग।